Amar Kaushik's film Bala has brought altogether a new concept wherein Ayushmann Khurrana is quite upset with his bald look and is behind doing the treatment. In the first half of the film, you will not be able to stop your laughter, but the second half is a bit slow. And where question about Bhoomi arises, she has done an excellent job, but her dark skin looks a bit overboard on screen. Yami was superb. Talking about the film, the entire weight of the film is being alone handled by Ayushmann Khurrana. If the film does wonderful business at the box office, the credit will go only to Ayushmann. The story begins in 2003 where Ayushmann is regarded as Shah Rukh Khan in the school and is known for his handsome looks in school days. He's so proud of his hair and good looks that he doesn't hesitate to make fun of his bald teacher by calling him Takla and humiliating his dark complexion classmate in front of the entire school. But in 2016, Bala loses his pride and his hair and becomes bald. The struggle of Bala is very interesting, and to see that you will have to visit the theatres near you. Let's see what the audience has to say. कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी मूवी है। मुझे लगता है एक बार देखनी चाहिए सभी को, और जो हमारे यहाँ जो भी रिसेंट में चल रहा है हमारे बॉर्डर पे, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, अच्छी है, सॉन्ग्स अच्छे हैं और खासकर उसकी एक्टिंग मुझे हीरो से इसमें काफ़ी अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, स्क्रीन प्ले था, डायरेक्शन था। Each and everything was great, great, great. बहुत अच्छी लगी बाला मूवी और आयुष्मान की एक्टिंग फैंटास्टिक, सुपर मूवी है। सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको? जब यामी गौतम को पता चलता है कि आयुष्मान खुराना टकला है। आई रियली लाइक द फिल्म, द स्टोरी लाइन वॉज ब्रिलियंट एंड आई थिंक भूमि पेडनेकर बहुत ही अमेजिंग थी, उसका कैरेक्टर बहुत अमेजिंग था क्योंकि शी लव्स हरसेल्फ, तो उसी ने एक्चुअली यू नो फिल्म में जो चेंज का काम किया है वो भूमि पेडनेकर ने। द मूवी वॉज रियली गुड, सारे एक्टर्स ने अच्छा किया, मेन लीड ने भी अच्छा किया और उसके बाद जो कैरेक्टर रोल्स भी थे, जैसे कि जो उनका हेयर स्टाइलिस्ट था बार बार जो बाल बाल सेट करता था एंड एवरीथिंग, और फिर जो आयुष्मान खुराना की डैड प्ले कर रहे थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया। सो आई थिंक ओवरऑल द कास्ट वाज अमेजिंग। वाह क्या बात है, बाला बाला बाला, आज जितने लोग गंजे हैं देश में उन लोगों को सिनेमा देखना चाहिए, कि उन लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है सिनेमा देखने के बाद आपको शर्मिंदगी एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा दिया है वैसे में एक्सेप्ट होना चाहिए। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा किया जिसने भी किया, और मतलब आयुष्मान का लास्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अंधाधुन, बधाई हो एंड ड्रीम गर्ल एंड दिस बाला, awesome. स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और जैसे आयुष्मान की तारीफ होती है हर फिल्म की स्क्रिप्ट वो बहुत बारीकी से चुनते हैं और बहुत अच्छी होती है, ये फिल्म भी सुपर हिट होगी। नहीं सुपर, कुछ अलग स्टोरी लाए, अलग स्क्रिप्ट लाए मूवी में, डायरेक्शन भी अच्छा है। जनरल कॉन्सेप्ट है ये और कॉमन चीज है तो इस पे बननी चाहिए, ऐसी चीजें आ रही है इंडस्ट्री में, अच्छा है। आयुष्मान he doesn't disappoint. I mean, I don't really have anything to say because he is good. He's that good, you know. He did not disappoint. Again, उन्होंने एक brilliant performance पेश किया। भूमि पेडनेकर जिसमें काली का भूमिका उन्होंने किया है, एकदम काला है तो लोग उनको चिढ़ाते हैं कि काला, लेकिन उन्होंने बचपन से उसको सहनशीलता से अपने सहा और आगे चल के सबको उन्होंने जवाब दिया। आयुष्मान खुराना जी का देखा जाए तो अभिनय पूरी तरह जितनी तारीफ के जगह कम है। अमर कौशिक जी से पहले स्त्री फिल्म बनाए थे और स्त्री की आप लोगों सबको मालूम है कितनी अच्छी फिल्म बनी थी, तो वैसे डायरेक्टर ने बाला का डायरेक्शन किया है तो डायरेक्टर को भी जितनी तारीफ की जगह कम है, सबने अपना 100% दिया है। भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, काफ़ी फनी है मूवी और बहुत अच्छी। यामी का उरी में देखा है, ऑलवेज बेस्ट, और आयुष्मान ऑल्सो बेस्ट, सबका स्क्रीन प्ले बेस्ट है, तो जब मूवी बेस्ट है तो सब बेस्ट हो गए ना। ऑब्वियसली सब 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 सॉन्ग अच्छा, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया जो बॉर्डर पे जो सुनाया गया है। सॉन्ग्स में मैंने ध्यान नहीं दिया अगेन बिकॉज द स्टोरी लाइन इज सो इंटरेस्टिंग कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व एंड टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं है ये, वो क्यों नहीं है तो फॉर दैट यू नीड टू वॉच द फिल्म। ओके, मैं इस फिल्म से ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं रिलेट तो नहीं कर पाई, बट इट वॉज फनी, इट वॉज वेरी लाइक यू नो कैसे हम वो नेशनल मूवीज देखते हैं और निकलने के बाद ऐसा देशभक्ति जाग आता है, सो ये देखने के बाद
ज़रूर लगा कि यू नो एक चीज़ ज़रूर लगा कि आई थिंक मे बी मुझे भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए इफ़ आई एम टॉकिंग टू समवन जो मे बी इनसिक्योर है अपने आप को लेके. सो वी ऑल शुड हम सबको यू नो वी शुड फील कि हम उससे कैसे बात करें, हम थोड़ा उससे बेटर बात करें बिकॉज दोज पीपल आर मोर सेंसिटिव. सो आई थिंक दैट इज़ वन लेसन मे बी वी ऑल कैन. बिल्कुल फील आई, मैं तो कहूँगा सभी लोग जाओ देखने, पता चलेगा क्या है. What are your thoughts on this video? Do let us know in the comment section below and don't forget to like, subscribe and share our video and also press the bell icon.